तो पोषण ट्रैकर का जो है आप लोग को न्यू वर्जन दे दी गई है। तो जितने भी आंगनवाड़ी का इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग फटाक से जाइए प्ले स्टोर पे और वहां पे जाके आप लोग को जो है 21.0 अपडेट कर ले, यानी कि आप लोग को जो है 21 जो है आप लोग को अपडेट कर दी गई है। और इसमें जो है आप लोग को 4 अपडेट आई है और ये 4 अपडेट में क्या महत्वपूर्ण है इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे और आप लोग को जो है पूरा वीडियो में जो है आप लोग को बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे आप लोग को चेंज हुई है, क्या अपडेट हुई है, क्या सभी आप लोग को काम में आ सकती है, इन सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो देखिए कि आप लोग को फर्स्ट ही नंबर में जो है फैमिली सर्वे में भी दिया गया है, उसके बाद THR और SCM है और उसके बाद आप लोग देखेंगे EKYC है, उसके बाद बग है। ये 4 अपडेट आप लोग को दिया गया है और ये 4 अपडेट जो है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाद बाकी नया आंगनबाड़ी सेव का है या पुराने आंगनबाड़ी सेव का है इस वीडियो को पूरा देखिए कि आप लोग को जो है समझ पाए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पूरा देखते हैं और जो भी जानकारी आती है आप लोग को बताएंगे और अगर आप लोग को प्रॉब्लम होती है तो जरूर अपने आंगनबाड़ी हेल्पलाइन पर इसी तरह से कमेंट करते रहिएगा, आप लोग को वीडियो मिलते रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले प्ले स्टोर में आते हैं, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुलेगी और आप लोग भी जो है फटाक से जो है इसी तरह से खुलिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से सर्च करेंगे, यहाँ पे क्या सर्च करेंगे, पोषण ट्रैकर। जैसे सर्च करेंगे तो आप लोग को भी अपडेट दे दी जाएगी। तो आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ से अपडेट कर लेंगे। अपडेट करने के बाद हम लोग देखेंगे जो जो अपडेट आई है आप लोग को स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। यहाँ पे क्या है कि आप लोग को ये अपडेट दे दी गई है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये अपडेट होने लगेगी और यहाँ पे जैसे ही हो जाएगी ये अपडेट तो आप लोग को यहाँ चेंज जगह पे आप लोग को ओपन आ जाएगी। तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 3.16 MB में जो है आप लोग को अपडेट दी गई है, यानी कि लगभग जो है आप लोग को जो है 3.5 MB का जो है अपडेट दिया गया है। ये आप अपडेट ज़रूर कर लें। यहाँ पे क्या है कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे ही अपडेट हो जाएगी तो यहाँ पे आप लोग को 100% लिखा के और ये जो है आप लोग को इंस्टॉल होने लगेगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये इंस्टॉल होने लगी। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे जैसे ही इंस्टॉल हो जाती है तो यहाँ से आप लोग को ओपन का भी साइन दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग ओपन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको जो है आप लोग को इंस्टॉल होने देते हैं और यहाँ पे जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगी तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ओपन का साइन दिया गया है। चलिए सबसे पहले लिखिए कि आप लोग को बता रहे थे 4 अपडेट दी गई है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से पेज खुलेगी और खुलने के बाद यहाँ पे तीर दिया गया है, इस तीर पे आप लोग को क्लिक करने नहीं होती है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से खुलेगी और सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि 21 यानी कि वर्जन जो है 21.0 जो है आप लोग को दिया गया है, यानी कि 21 यहाँ पे देखेंगे। सबसे नीचे आएंगे यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 दिया गया है। यहाँ पे 4 तो आप लोग को दिया गया है सो, लेकिन आप लोग को जो है चौथा नंबर जो है आप लोग को एपोक्टोमाइजेशन है, ये तो आप लोग को पता ही रहता है, हमेशा अपडेट दी जाती है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर में जो है आप लोग को फैमिली नंबर जनरेशन इन फैमिली सर्वे, यानी कि आप लोग को यहाँ पे दिया गया है जो है फैमिली सर्वे में जो है आप लोग को दिया गया है जो कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ऐप टेक एंड टाइम, यानी कि आप लोग को जो है यहाँ पे इस तरह का नोटिफिकेशन आ रही थी, ये इशू फिक्सेज जो जो है THR या SCM में आ रही थी, ये प्रॉब्लम आप लोग को दूर हुई है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तीसरा नंबर में जो कि आप लोग देख सकते हैं बग फिक्सेड इन EKYC प्रोसेस, यानी कि आप लोग को ऑन प्रोफाइल स्क्रीन फॉर AWW, यानी कि आप लोग को जो है EKYC जैसे ही करने जाते थे इसमें जो है आप लोग को अगर आप लोग को बग आ रही थी या EKYC प्रोसेसिंग में रह जाती थी, अब आप लोग को नहीं होगी, आप लोग को आसानी से जो है आप लोग को हो जाएगी। तो इस तरह से जो है आप लोग देखते हैं जो न्यू अपडेट जो दी गई है वो टोटल जो है आप लोग को 4 दिया गया है। चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले देखिए कि हम लोग इस काटते हैं, ठीक है। काटने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि पोषण ट्रैकर खोलेंगे। अपडेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए कि पोषण ट्रैकर में जाएंगे और चारों अपडेट के बारे में जानेंगे कहां कहां पे आप लोग को अपडेट दी गई है। यहां पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से पेज खुलेगी, क्योंकि आप लोग को जो है 21.0 जो है आप लोग को ये अब वर्जन आ गई है जो कि आप लोग देख सकते हैं 21। यहाँ पे इसको हम लोग ओपन होने देते हैं और फर्स्ट नंबर में जो है आप लोग देखेंगे तो फैमिली नंबर जनरेशन इन फैमिली सर्वे आप लोग को फर्स्ट नंबर में जो है आप लोग को अपडेट दी गई है। यानी कि आप लोग देखेंगे तो सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे ये एक्शन सेंटर जो दी गई है, यही एक्शन सेंटर में जो है आप लोग को एक अपडेट जो दी गई थी फैमिली सर्वे का, इसी में जो है आप लोग को नंबर डाली गई है।
यानी कि जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोगों को जो है इस तरह से पेज खुलेगी। खुलने के बाद इस तरह से जो है आप लोग ने फैमिली सर्वे किए होंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है, लेकिन यहाँ पे देख रहे होंगे इस तरह से आपने फैमिली सर्वे किए होंगे। मान लीजिए एक पर क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुलती है। जैसे खुलेगी तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो फैमिली नंबर जो है आप लोग को दिया गया है यहाँ पे 7। इसी तरह से अगर आप लोग बैक होते हैं, यहाँ पे आपने अदर को किए हैं, दूसरा पे हम लोग क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो फैमिली नंबर 1, यानी कि जो है सीरियल नंबर ऑफ फैमिली, यानी कि आप लोग को जो है एस करके डॉट दिया गया है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर यानी कि जो है एस डॉट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है आप लोग को NO दिया गया है, यानी कि नंबर ऑफ फैमिली यानी कि 1 दिया गया है। इसी तरह से जो है अभी आप लोग को ये अपडेट जो दी गई है, ये फैमिली मेंबर का जो है आप लोग को संख्या यानी कि जो है संख्या दर्शाने के लिए आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। तो ये फर्स्ट नंबर में जो है आप लोग को अपडेट जो दी गई है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप लोग को जैसे कि मान लीजिए आपने फैमिली सर्वे किया, इसका फैमिली सर्वे नहीं याद है या फैमिली सर्वे कितना नंबर में आती है ये सब आप लोग को नहीं पता है, तो आप लोग यहाँ से जो है आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये अपडेट जो है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है। तो ये फर्स्ट नंबर में जो है आप लोग को दिया गया है फैमिली नंबर जो है आप लोग को दी गई है। ये जो है आप लोग देखें तो फर्स्ट नंबर में दिया गया है, यहाँ से बैक होते हैं, बैक होने के बाद आप लोग को जो है दूसरा नंबर में जो दी गई है, सबसे पहले आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि दूसरा में जो है आप लोग देखेंगे तो आप लोग को SCM और आप लोग को THR के लिए, तो SCM और THR जो है आप लोग को कहाँ मिलेगी, डेली ट्रैकर में। तो आप लोग को जो है ट्रैकिंग में तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है पेज खुलेगी, और खुलने के बाद आप लोग को जो है दूसरा अपडेट जो है आप लोग को नोटिफिकेशन जो दिया गया है, जैसे कि ये आप लोग देख रहे होंगे THR और SCM में। THR और SCM आप लोग जैसे ही करने के लिए जाते थे तो आप लोग को जो है ऐप टेकन टाइम आप लोग को लिख के आ रही थी, यानी कि आप लोग को जो है क्या लिख के आ रही थी, ऐप टेकन टाइम इशू फिक्सड इन THR और यानी कि ऑब्लिक SCM स्क्रीन, यानी कि आप लोग को लिख के आ रही थी, यानी कि ऐप टेकन टाइम इशू फिक्सड इन THR SCM स्क्रीन, इस तरह से अगर आप लोग को लिख के आ रही थी तो अब आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आप लोग जैसे क्लिक करते हैं तो अब आप लोग जो भी लाभार्थी का जो है THR हो या SCM करने के लिए जाते हैं तो अब आप लोग को जो है प्रॉब्लम जो आ रही थी यानी कि जो है टेकन टाइम का आप लोग को इम्पिटी या इरर, वो प्रॉब्लम जो है आप लोग को जो है इस तरह से नहीं आएगी, अब आप लोग आसानी से जो है सबमिट कर पाएंगे। तो ये आप लोग को जो है प्रॉब्लम जो दी गई थी वो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं दिया जाएगा। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जो दी गई है वो आप लोग को जो है टेकन टाइम इशू जो आ रही थी THR और SCM का, वो प्रॉब्लम जो है अब आप लोग को नहीं होगी। बाद बाकी आप लोग को किसी भी प्रकार का और भी प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर आप लोग कमेंट करते रहिएगा। तो ये आप लोग देख लिए कि ये दूसरा अपडेट जो दिया गया है। इसी तरह से जो है हम लोग चलते हैं तीसरा अपडेट में। तीसरा अपडेट में जाने के लिए आप लोग को क्या करनी होती है कि सबसे पहले मोड़ में आनी होती है। ये मोड़ में आने के बाद ये तीसरा नंबर अपडेट हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मोड़ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है व्यू प्रोफाइल दिया जाएगा, और एक जो है आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग जो है अपडेट AW प्रोफाइल दिया गया है, यानी कि AWH प्रोफाइल, यानी कि ये सहायिका के लिए दिया गया है। तो हमें आशा है कि सभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का जो है आप लोग को जो है EKYC कंप्लीट हो गई होगी। अगर कंप्लीट नहीं हुई होगी तो आप लोग फटाक से कर लें, क्योंकि आप लोग को जो है बग फिक्सड इन EKYC प्रोग्रेस ऑन प्रोफाइल स्क्रीन फॉर AWW में अगर आप लोग को आ रही थी तो अब आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लोग आसानी से जो है अपडेट कर लेंगे। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे व्यू प्रोफाइल है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से खुलती है। खुलने के बाद यहाँ पे देखिए कि ये EKYC जो है कंप्लीट है, और यहाँ पे क्या क्या होता था कि आपने जैसे ही अपडेट किया, यानी कि जो है आपने जो है EKYC करने के लिए जाते थे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बैक होते हैं, बैक होने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपडेट AWH दिया गया है प्रोफाइल, यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं तो इस तरह से पेज खुलती है, और आप लोग जो है यहाँ पे कंप्लीटेड EKYC करने के लिए जैसे जाते थे तो आप लोग को जो है EKYC प्रोग्रेस करके लिख के आ रही थी। तो अब आप लोग को जो है ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जितने भी आंगनबाड़ी सेविका इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग जो है फटाक से जो है अभी तक EKYC नहीं किए हैं तो आप लोग फटाक से जो है EKYC कर लें, और ये EKYC आप लोग को आसानी से जो है हो जाएगी। और ये तीसरा अपडेट जो है आप लोग को यही दिया गया था।
अगर आप लोग ई केवाईसी करना चाहते हैं, अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से देख लीजिए आप लोग को किस तरह से जो है ई केवाईसी करनी है। तो इस तरह से जो है आप लोग को ई केवाईसी प्रोग्रेस करके आ रही थी, अब आप लोग को नहीं होगी। डायरेक्ट आप लोग को क्या होगी, यहाँ से आप लोग बैक होते हैं तो आप लोग को डायरेक्ट क्या होगी कि जो है ई केवाईसी कंप्लीटेड आप लोग को यहाँ पे दिखाया जाएगा। ये जो है आप लोग देखें तो तीसरा नंबर अपडेट दिया गया है, और चौथा में तो आप लोग को पता ही है आप लोग को ऐप ऑप्टिमाइजेशन है, कुछ नहीं है। आप लोग को जो है किसी भी प्रकार का बग होती है या किसी भी प्रकार का आप लोग को छूट जाती है या काम आप लोग को किया जाता है उसी में जो है आप लोग को ऐप ऑप्टिमाइजेशन दिया जाता है। बाद बाकी आप लोग को जो है किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होती है यानी कि 21 यानी कि 20 21.0 में, तो आप लोग जरूर अपने आंगनबाड़ी हेल्पलाइन पर कमेंट कीजिएगा। अधिक से अधिक जानकारी आप लोग को इसी तरह से मिलते रहेगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।